हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं किरण और आज मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वाली हूं ग्रीन टी की रेसिपी। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। एक मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे ये ग्रीन टी की रेसिपी शेयर करने के लिए बोला है और उनका नाम है गुरप्रीत सिंह और वो अभी इंडिया के ही हैं लेकिन यूएसए में रहते हैं और उन्होंने ये रेसिपी मुझसे शेयर करने के लिए बोली है, इसीलिए उनके कहने पे आज मैं ग्रीन टी की रेसिपी आप लोग के सामने शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो ग्रीन टी काफी हेल्दी है, हेल्थ के हिसाब से अगर आप सुबह में मॉर्निंग में डेली खाली पेट ग्रीन टी का सेवन करते हैं, ग्रीन टी पीते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। खासतौर पे डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत ही ज्यादा फायदा है और अगर आपका पेट बाहर है, आपका चर्बी बहुत ही ज्यादा है तो ग्रीन टी जो है चर्बी को घटाने में भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसलिए मेरा आप लोगों से सलाह है कि सुबह डेली आप ग्रीन टी जरूर से जरूर पिए, वो भी खाली पेट। इससे आपका पेट भी बहुत ही ज्यादा फिट रहेगा, आपका बॉडी बहुत ही ज्यादा फिट रहेगा और डायबिटीज पेशेंट को अगर आप दे रहे हैं तो उनका डायबिटीज भी बहुत अच्छे से कंट्रोल में रहेगा। तो इसके लिए मैं आपको वीडियो के लिए बताती हूँ कि इसमें हमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले ये देखिए, मैंने एक कप पानी लिया है क्योंकि हम पानी में ही ग्रीन टी बनाते हैं। और उसके बाद ये मैंने देखिए लिप्टन का ग्रीन टी लिया है। तो ग्रीन टी में लगभग हमें एक टी बैग्स की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे देखिए इस तरह से होते हैं टी बैग्स, आप एक टी बैग्स यूज करें तो इस तरह से इसको आप यहां से फाड़ सकते हैं। ये देखिए इस तरह से टी बैग्स जो है निकलते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में करना क्या है कि जो हमने पानी लिया है इसे हमें खौलाना है। खौलाना मतलब अच्छे से बॉईल करना है। तो सबसे पहले हमें पानी को गर्म करना है। तो इसके लिए मैं इसको गैस पे डालती हूँ एक बर्तन में। तो इस तरह से आप एक बड़ा बर्तन ले लें और जिसमें हमें पानी गर्म करना है और गैस ऑन कर लें। ठीक है, गैस ऑन करने के बाद इसमें मैंने जो पानी लिया है एक कप वो डाल दीजिए। इस तरह से आपको पानी को खौलाना है, अच्छे से गर्म करना है। तो इसे गर्म होने के लिए लगभग 2 से 3 मिनट लग जाएगा, तो इसे अच्छे से गर्म होने दीजिए। तो ये देखिए मैंने ग्रीन टी जो लिया है वो तुलसी नेचुरा है। इसमें तुलसी के मतलब जो फ्लेवर एड है, जो तुलसी हमारे भी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। आपको पता है बहुत ही ज्यादा जुकाम में, खांसी में, बहुत सारे बीमारी का सबसे पहला इलाज तुलसी होता है। अगर आप डेली एक तुलसी का पत्ता खाते हैं तो बहुत सारी बीमारी आपको नहीं लगेगी। इसलिए ग्रीन टी भी बहुत ज्यादा हेल्थ के हिसाब से अच्छा होता है। अगर उसमें तुलसी ऐड है तो वो और भी ज्यादा अच्छा है, बेनिफिशियल है हमारे हेल्थ के लिए। तो इस तरह से मैं आपको लिप्टन का ग्रीन टी यूज कर रही हूँ। तो आप चाहे तो बहुत सारे ब्रांड्स पता है होता है, मैं लिप्टन का यूज करती हूँ। मैं मेरे हस्बैंड को देती हूँ यही ग्रीन टी, तो लिप्टन का यूज करती हूँ। तो आपको जो भी ब्रांड अच्छा लगे उसका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लिप्टन का ग्रीन टी मैं यूज कर रही हूँ। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये देखिए पानी हमारा अच्छे से, देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छे से खौलने लगा है। तो अब बस काफी है पानी को इतना गर्म करना, अब गैस को बंद कर दें, काफी है। और ये पानी जो हमारा गर्म है, गर्म हुआ है, इसको हम कप में डाल लेते हैं। तो ये कप है, इसमें हमने जो पानी गर्म किया है उस पानी को इसमें डाल लीजिए। और इस गर्म पानी में ही ये हमारा ग्रीन टी का जो टी बैग्स है उसे डिप करना है और इस तरह से लगभग हमें करना है। तो आप देखिए कुछ देर में ही ये पानी जो है बहुत ही अच्छे से कलरफुल हो जाएगा, ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर का हो जाएगा। लगभग 15 से 20 सेकेंड, आप आधा सेकेंड यानी कि 30 सेकेंड तक, हाफ मिनट तक इसको इस तरह से करिए। तो जितना भी इसके अंदर का जो है ग्रीन टी बैग्स में जो भी इसका फ्लेवर है वो सारा इसके अंदर चला जाएगा, ग्रीन टी यानी कि पानी के अंदर चला जाएगा। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही आसान रेसिपी है, बट ग्रीन टी की जो रेसिपी है सिंपल ही है लेकिन ये हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ग्रीन टी की रेसिपी आप देख सकते हैं कि कितनी सिंपल तरीके से बनती है।
और काफी इजी है। आप डेली जिसको भी प्रॉब्लम है, फैट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो हेल्दी पर्सन है और जिनको हेल्थ मैनेज करना है, बहुत ही पतले दुबले नहीं है और काफी अपना हेल्दी शरीर रखना चाहते हैं, तो ग्रीन टी का सेवन जरूर करिए। मैं यही सलाह दूंगी कि ग्रीन टी का सेवन कीजिए। ग्रीन टी बहुत ही ज्यादा हेल्थ के लिए अच्छा होता है और डायबिटीज पेशेंट जो है उनके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। आप देख सकते हैं कि ग्रीन टी का जो है कलर काफी अच्छे से चेंज हो चुका है। आप देख सकते हैं, मैं नजदीक से दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो ये हमारा हो गया ग्रीन टी रेडी, पीने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आप इसको, बहुत लोग गर्म गर्म पीते हैं, बहुत लोग थोड़ा ठंडा करके पीते हैं, तो आपको गर्म पीना है तो आप गर्म पी सकते हैं और ठंडा थोड़ा सा पीना है तो थोड़ा सा ठंडा कर ले और उसके बाद सेवन करें इसका। तो दोस्तों, उम्मीद है मेरा आज का ये ग्रीन टी का रेसिपी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। और अगर पसंद आएगा तो प्लीज थम्स अप दीजिए, लाइक कीजिए और अपने अनुभव को कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। तो इस तरह से मैंने आप लोग सामने ग्रीन टी की रेसिपी शेयर की है। और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है और इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को अभी तक नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। और फ्रेंड्स, और कोई इस तरह का आपको रेसिपी का डिमांड हो तो प्लीज मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स करके जरूर लिखिए, ठीक है। तो मिलती हूँ एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, हेल्दी खाना खाइए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।